हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल हैव बीन टेकिंग अ वेरी वेरी गुड केयर अबाउट योर हेल्थ एज वेल एज योर स्टडीज। आज इस बहुत छोटे से वीडियो में हम टिपिकल अप्रोच टू जनरल इंग्लिश की एक्सरसाइज नंबर 10, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करने के लिए है, इसको सॉल्व करेंगे। पहला सेंटेंस मैंने ऑलरेडी लिख दिया, इससे टाइम कम लगे। द एम्परर सेड अलास आवर फोर्स आर टू स्ट्रॉन्ग। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्योंकि इसमें शुरुआत अलास से की गई है रिपोर्टेड स्पीच की। इसके लिए क्या करेंगे? द एम्परर एक्सक्लेम्ड विद सोरो। एम्परर दुख को प्रकट करता है। और दूसरा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज की जगह दैट लगाएंगे। अब अगला चेंज होगा आवर। आवर को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट। आवर मीन्स हमारा, सब्जेक्ट है एम्परर यानी कि राजा, ऑब्जेक्ट दियर नहीं है तो थर्ड पर्सन, तो यहां हो जाएगा दियर। बाकी चेंज होगा नहीं कुछ भी फोज। और अगला चेंज है पास्ट टेंस, आर का हो जाएगा पास्ट की वजह से वर टू स्ट्रॉन्ग। गॉट इट? अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, हाउ ग्लैड आई एम सेड द चेयरमैन टू मीट माई फ्रेंड्स हेयर। तो रिपोर्टिंग क्लॉज स्पीच के बीच में है, आधी स्पीच पहले और आधी स्पीच बाद में है, तो रिपोर्टिंग क्लॉज को बीच से पहले बाहर निकालेंगे। द चेयरमैन कुछ ऐसा लिखेंगे, द चेयरमैन एक्सक्लेम्ड विद। जब रिपोर्टिंग क्लॉज की शुरुआत हाउ या व्हाट से होगी, कितना और क्या, तो इसका मतलब वहां सरप्राइज है, तो यहां लिख देंगे सरप्राइज। फिर दैट आई एम, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो कि चेयरमैन है ही, फिर वाज, और हाउ को चेंज करते हैं वेरी या ग्रेट, तो यहां हो जाएगा ही वाज वेरी ग्लैड। और बाकी पार्ट सेम उतार देंगे, टू मीट आई के साथ माई है तो ही के साथ हो जाएगा हिज फ्रेंड्स, और लास्ट में हेयर का हो जाएगा देयर। आइए इस सेंटेंस को देखते हैं, नंबर थर्ड। हुर्रा क्राइड द बॉय, आई हैव वॉन अ प्राइज। बच्चा खुशी से चिल्लाया कि मैंने प्राइज जीत लिया, तो इसमें करेंगे द बॉय क्राइड विद जॉय। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जब लिखा होगा सेड तो एक्सक्लेम्ड में चेंज करेंगे, लेकिन जब अगर कुछ और वर्ड लिखा है क्राइड जैसे लिखा है तो इसे क्राइड ही रखेंगे। फिर दैट का यूज करेंगे और आई को चेंज करेंगे बॉय में यानी कि ही, हैव को पास्ट की वजह से हैड, वॉन आ प्राइज। इस तरीके से सेंटेंस नंबर थर्ड हम कर लेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है नेक्स्ट, इसे क्या करेंगे? ही कह रहा है हेवन नोज, भगवान जानता है, ऊपर वाला जानता है, तो इसे ऐसे ही चेंज करेंगे, ही कॉल्ड अपॉन, वो पुकार रहा है हेवन टू विटनेस, इस बात का गवाह बनने के लिए दैट। बाकी भाई पुराने तरीके से चेंज करेंगे ही, और एम को चेंज करेंगे वाज में इनोसेंट। He called upon heaven to witness that he was innocent. है ना इंटरेस्टिंग? अब सेंटेंस नेक्स्ट देखेंगे, द पेशेंट सेड, बीमार ने कहा, मरीज ने कहा, हाउ पेनफुल द वुंड इज, जख्म कितना दर्दनाक है, तो हम कुछ ऐसे करेंगे, द पेशेंट तो सेम रहेगा, सेड का हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सोरो, दुख है, दैट द वुंड, ये सब्जेक्ट ही पहले चला जाएगा, द वुंड इसका हो जाएगा वाज,
हाउ की जगह लगाते हैं वेरी पेनफुल, ठीक है। सो द पेशेंट एक्सक्लेम्ड विद सोरो, दुख से कह रहा, तड़प रहा है, दैट द वुंड, जख्म बहुत दर्दनाक है, दर्द से भरा हुआ है। नेक्स्ट है आई सेड, मैंने कहा व्हाट अ फाइन प्लेस इट इज, तो इसे करेंगे आई एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट इज को बदलेंगे इट वॉज अ वेरी फाइन एंड प्लेस, ठीक है। तो वॉट और हाउ से शुरू करते हैं तो वेरी ग्रेट लगाते हैं, इसका मतलब बहुत बड़ा है, और सरप्राइज का यूज करते हैं, इसमें सरप्राइज है, लेकिन यहाँ पे जो कि सौरो है, जख्म है, तो सरप्राइज नहीं कहेंगे, पेन कहेंगे या सौरो कहेंगे, क्लियर। अब सेंटेंस नंबर 7 देखेंगे। अलास शी क्राइड, उसने चीख के कहा, बहुत बुरा हुआ, अफसोस माई सन इज डेड, मैंने ऑलरेडी लिख दिया, आपका टाइम कम से कम लगे, तो शी यहीं से उठाएंगे, क्राइड विद सौरो, अलास है, दैट माई सन, माई को चेंज करेंगे शी से, हर सन और इज का कर देंगे पास्ट टेंस की वजह से, इज का पास्ट की वजह से, वॉज डेड, क्लियर हो गया। नेक्स्ट कृष्णा सेड, कृष्णा ने कहा व्हाट अ ब्लडी डीड आई हैव डन, मैंने कितना बुरा काम किया है, तो कृष्णा सेड का हो गया एक्सक्लेम्ड विद व्हाट की वजह से आया, सरप्राइज आ सकता था लेकिन बुरा काम किया, इसलिए एक वर्ड मैंने यूज किया रिग्रेट, regret मतलब पश्चाताप से कहा, दैट ही हैड डन, आई हैव डन की जगह ही हैड डन अ ब्लडी डीड, बहुत ही बुरा और घृणित कार्य किया है। लास्ट देखेंगे ही सेड, उसने कहा हाउ डार्क द नाइट इज, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज द नाइट इज का हो गया वाज, हाउ डार्क, वेरी डार्क, ठीक है। अच्छा लगे तो बताइए जरूर, वरना हम पूरा सॉल्व करेंगे, गॉट इट। अब नंबर 10 सेंटेंस मैंने लिखा, इसको मैं सॉल्व करूंगा पूरा। व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर, तुम कितने मूर्ख साथी हो, ही माने उसने, एंग्रीली माने गुस्से से, रिमार्क माने टिप्पणी की, तो यहीं से उठाएंगे सब्जेक्ट, ही एंग्रीली रिमार्क्ड, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इसमें एक्सक्लेमेशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको एक्सक्लेम कर देंगे जब दोबारा से डायरेक्ट बनाना होगा तो हम सेट कर बैठेंगे, इसलिए जब भी कोई स्पेशल रिपोर्टिंग वर्ब आए उसे बिल्कुल नहीं छूते हैं। तो ही एंग्रीली रिमार्क, फिर दैट का यूज करेंगे। अब बढ़ेंगे यू, यू होता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो वह कह तो रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो हम यहां पर ही या शी ही मान सकते हैं थर्ड पर्सन, तो दैट ही आ गया, आर के साथ इज आर एम का वाज वर, तो ही वाज आ, व्हाट की वजह से लगाएंगे वेरी स्टूपिड फेलो, उसने बड़े गुस्से से कहा कि तुम बहुत ही मूर्ख व्यक्ति हो, ठीक है। सेंटेंस नंबर 11 देखिए, ही सेड व्हाट अ लेजी फेलो यू आर, हाउ बैडली यू हैव डन योर वर्क, मैंने ऑलरेडी लिखा है आपका टाइम बचाने के लिए बस, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, व्हाट वाला सेंटेंस है और हाउ वाला है, दोनों है, दैट पहला ही वॉज अ वेरी लेजी फेलो, यू आर ही वॉज अ व्हाट की वजह से वेरी लेजी फेलो, अब दूसरा है एंड यू हैव डन, तो यू का हो गया ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो यहाँ पर थर्ड पर्सन मान लेंगे, तो ही हैव की जगह पर हैड डन, यू के साथ योर, तो ही के साथ हिज, वर्क हाउ की वजह से वेरी बैडली, क्लियर। अब देखेंगे नंबर 12, बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ही सेड हाउ क्रूअल ऑफ हिम, इसमें कोई वर्ब नहीं दिया है, तो हम करेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद एंगर, गुस्सा है कि तुम कितने क्रूअल हो, तो नई चीज आ गई यहाँ पर, हमने रिग्रेट देखा है, सौरो देखा है, तो दैट इट वॉज अपने पास से लगाएंगे वेरी क्रूअल ऑफ हिम, कि तुमने बहुत ही क्रूअल माने निर्दयतापूर्वक कार्य किया,
है ना इंटरेस्टिंग, अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर जरूर करें और एक लाइक करेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा। सेंटेंस नंबर 13 देखेंगे, द बॉय सेड अलास वी हैव लॉस्ट द मैच। अब तक ये सिंपल लग रहा होगा, तो द बॉय एक्सक्लेम विद सोरो दैट वी, बहुवचन है, बॉय अकेला है तो अपने साथियों के साथ है, तो वी का हो जाएगा दे, दैट दे हैड लॉस्ट द मैच, पूरी टीम की बात है ना। नंबर 14 भी आसान है, हाउ अनटाइडी योर एक्सरसाइज इज सेड द टीचर टू हिम, तो द टीचर पहले, द टीचर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट हिज एक्सरसाइज वाज वेरी अनटाइडी। और लास्ट द कैप्टन सेड ब्रावो वेल डन, शाबाशी, तो द कैप्टन प्रेज, प्रशंसा करता है दैट इट वाज वेल डन। सो दोस्तों आपको ये मेथड कैसा लगा, इस सॉल्यूशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा।